अभी मैं 1000 रुपए दे रही हूँ, डबल हो जाएगा ना। 1000 दिया था, लो 2000 रुपए, ये आपका मुनाफा पहले। 3000 आ गया आपके पास, बस 10 दिन बाद मिलना। लो जी 3 के 6000 रुपए हो गए आपके। 2.5 लाख है मेरे ना हस्बैंड की सेविंग्स रखी थी घर पे, चुपके से दे रही हूँ आपको, उनको पता भी नहीं है कि मैं आपको पैसे दे रही हूँ। बस जितना जल्दी हो उसके ना वापस कर देना, अगर उनको पता चल गया ना तो बस। मैडम जी हमने बहुत गरीबों को अमीर बना दिया, करोड़पति बना दिया, आप भी देखना करोड़पति बन जाओगे। अच्छा सर अभी मैं 1000 रुपए दे रही हूँ, डबल हो जाएगा ना। डबल, बिल्कुल डबल का मतलब क्या होता है, डबल होता है ना, तो 1000 का डबल क्या हुआ, 2000 ही हुआ ना। आपको 2000 रुपए तुरंत 10 दिन के बाद मैं खुद देके जाऊंगा। सर पता है बात क्या है, मैंने ना अपने हस्बैंड से डिस्कस की थी ये वाली बात, स्कीम आपकी इतनी बढ़िया है, डबल करके देती है पैसे, उन्होंने बात ही नहीं मानी मेरी, साफ ही इग्नोर कर दिया, साफ साफ बोल दिया मुझे कोई जरूरत नहीं है ऐसी स्कीम में पैसे लगाने की, फ्रॉड होता है। बोलो अपने पति से मत डिस्कस किया करो ऐसी बात है, उनका दिमाग थोड़ा कम ही होता है, वो ऐसे तुम्हें डांट मार देंगे। मैं सही बता रही हूँ, मैंने तो सुनीता जी के पैसे देखे, आपने कैसे उनको डबल कर करके दिए 10 दिन के अंदर, बोलो, मैंने तो खुद अपनी आंखों से देखे हैं। उनको 50,000 का बेनिफिट करके दे दिया, अब जितना पैसा दोगे उतना डबल होगा, अब धीरे धीरे पैसा बढ़ाना शुरू कर दिया उन्होंने, पैसा भी बढ़ता जा रहा है उनका। जो जुड़ गया हमारे साथ वो तो जी जुड़ ही गया बस फिर। मैं बस जो सुनीता जी ने मेरे को रिकमेंड किया है ना उसके ऊपर भरोसा करके आपको ये पैसे पकड़ा रही हूँ, बस 10 दिन के अंदर ना मेरे को डबल करके दे देना। 1000 रुपए मैंने आपके जमा कर दिए, ठीक 10 दिन के बाद मंगलवार को आके आपको 2000 रुपए दे दूंगा। ठीक है सर, 10 दिन बाद ना आ जाना पक्का। मैं के मैडम बेचिंत हो जाओ, ये डेट लिख दी, लो 1000 दिया था, लो 2000 रुपए, ये आपका मुनाफा पहला। मेरे को ना आपके ऊपर पूरा भरोसा था, कैसे सुनीता कितनी सारी सेविंग्स कर रही है, अब मेरा टाइम आया, अब मैं ग्रो करूंगी। मैडम जी मैंने खुद का पैसा डाल रखा है, मेरी बीवी ने पैसा डाल रखा है, हम सारा पैसा इसमें डालते हैं, ये तो मैं ऐसे कर रहा हूँ कि औरों का भी भला हो जाए, नहीं तो मैंने तो इस कंपनी से इतना पैसा कमा लिया, इतना पैसा कमा लिया, छोड़ो नजर लग जाएगी। अच्छा मैडम जी अगली इन्वेस्टमेंट कितने ही कर रही है फिर, आप कितना पैसा डालूं आपका, वैसे थोड़ा खुल के करो जी, मेरे कहने का मतलब ये था, सुनीता जी है ना जिन्होंने रेफर किया था, वो खुद 2 लाख रुपए डाल रही है इसमें, बात मत करना सीक्रेट है ये बात, अभी पता नहीं डालेंगी कि नहीं पर बोल रही हैं, मतलब उनको फायदा हो रहा तभी विश्वास कर रही हैं जी, ऐसे कौन विश्वास करता किसी पे। ये आपने 2000 मुझे दिए थे, 1000 में और ऐड कर रही हूँ, 3000 आ गया आपके पास, बस 10 दिन बाद मिलना। ओ मैडम जी 10 दिन के बाद 6000 मिल जाएगा आपको, मैंने जमा कर दिए आपके नाम से, शुक्रवार को आके मिल जाएंगे। लो जी 3 के 6000 रुपए हो गए आपके। ये लो, ये 9000 और ये 6000 भी इसमें डाल दिए, 15000 हो गए, बस अब जल्दी से 30000 कर दो। लो जी आपका हिसाब क्लियर हो गया, ये लो जी 15000 दिए थे आपने मुझे, लो जी आपके 30000 रुपए हो गए, गिन लो जी अच्छे से, थूक लगा गिन लो बढ़िया। मैडम जी क्या बताओ, कंपनी का फार्मूला जैसे काम कर रहा है ना, बड़े लोग आ रहे हैं हमारे पास, सच में कह रहा हूँ भाई गॉड। वो है आपकी सुनीता जी जिसके बारे में बता रहा था कि 2 लाख रुपए जमा करने का सोच रही है, आज दे दिए उन्होंने 2 लाख रुपए, अब 4 लाख रुपए मिल जाएगा उनको 10 दिन के बाद, सोच रहे हो प्रॉफिट देख रहे हो, वो तो बहुत आगे निकल जाएंगे आपसे, आप तो यहीं रह जाओगे 10-20, मतलब पूरा मत मानना जी, 10-20 हजार से क्या ही होता है, 2 के 4 बनेंगे उनके, 4 के बाद उनके 8 बनेंगे, कोठियां कारें आएंगे, छिट्टे उड़ा के जाएंगे आपके ऊपर गाड़ी से। बात तो आप ठीक बोल रहे हो, एक मिनट रुको मैं आई। जल्दी कर दो मैडम जी, मैं जाऊँ आगे भी काम है। ये लो पूरे 2.5 लाख है मेरे ना हस्बैंड की सेविंग्स रखी थी घर पे, चुपके से दे रही हूँ आपको, उनको पता भी नहीं है कि मैं आपको पैसे दे रही हूँ, बस जितना जल्दी हो उसके ना वापस कर देना, अगर उनको पता चल गया ना तो बस। मैं कंपनी का फार्मूला 10 दिन वाला, जल्दी तो दे नहीं सकते, 10 दिन में मिल जाएंगे आपको, 2.5 दे रहे हो, 2.5 के 5 लाख हो जाएंगे, सुनीता जी से आगे चल रहे हो अभी आप, बाई गॉड अभी बहुत आगे जाओगे मेरे को पता है। 5 के 10 करोगे ऐसे बहुत पैसा आएगा आपके पास, ये 10 दिन बाद आपको आके मैं दूंगा 5 लाख रुपए, मैंने लिख लिया आपके 2.5 लाख रुपए जमा होंगे मेरे पास, ठीक है जी। ठीक है बस जल्दी हस्बैंड के, हाँ समझ रहा हूँ, उनको थोड़े दिन ऐसे पागल बना के रखना, फिर बाद में शौक हो जाएंगे वो भी देख के, उनका प्रॉफिट उनको दे दूंगी, अपना प्रॉफिट अपने पास रख लूंगी बस। ठीक है बिजनेस बिजनेस, चलो मैं चलता हूँ मैडम जी, है फिर ठीक है। कोल्ड ड्रिंक नहीं, बस ठीक है अब होगी ड्रिंक ड्रिंक सारी। 5 लाख, हाय पागल ही हो जाएंगे ये तो, शौक ही हो जाएंगे बिल्कुल, मैंने 5 लाख कर दिए 2.5 के, बस अब तो सारे सपने पूरे होंगे। हेलो सुनीता, अच्छा मेरे को ना वो पूछना था, वो जो था नहीं
वो सर आते थे स्कीम वाले जो 10 दिन में पैसा डबल करके देते थे, वो इस बार तेरे घर आए ना? नहीं यार, मैं तो खुद बहुत परेशान हूँ। इस बार तो वो किसी के पैसे देने नहीं आए। मैंने तो सुना है वो हमारे साथ साथ बहुत लोगों के पैसे लेके भाग गए। यार मैंने तो खुद 2 लाख रुपए लगाए थे ये सोचकर 2 के 4 लाख हो जाएंगे, मैंने अपने 2 लाख रुपए भी डुबा दिए। हाँ बहन, मैंने भी 2.5 लाख डाला था। तुझे तो पता है इनकी सेविंग्स पड़ी थी घर पे, मैंने वो दे दी और इनको भी नहीं बताया। अगर इनको पता चला ना वो फ्रॉड था, वो तो मुझे पहले से ही कह रहे थे मत डाल इसमें पैसे, मत डाल। पर मैं पता नहीं क्यों डाल दी मैंने। अब वो नहीं आएगा क्या? पैसे डूब गए हमारे। हाँ बहन, सबके पैसे डूब गए, फ्रॉड निकले वो। मैंने तो खुद अपने घर में किसी को नहीं बताया था। पहले पहले तो ये हमारे पैसे डबल करके वापस कर देते हैं, और फिर जब हमारा लालच और विश्वास बढ़ जाता है तो ये हमारे पैसे लेके भाग जाते हैं। बहन, पैसों के लालच में आकर हमने तो हमारा घर ही बर्बाद कर दिया। हाँ बहन, बिल्कुल सही बोल रही है तू, लालच बहुत बुरी बला है। आए, अब मेरे पैसे।